हेलो नमस्ते, इसमें विक्रमादित्य एंड यू आर वाचिंग सी ए स्टडी हब। आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में जिनका जुलाई 17 का स्टडी मटेरियल है, एडिशन जुलाई 17 का स्टडी मटेरियल है, उनके लिए क्या एडिशन एंड मॉडिफिकेशन है वो हम लोग जानेंगे। नवंबर 20 एग्ज़ाम या उसके बाद वाले एग्ज़ाम में अप्रैल 2019 का स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल होने वाला है, तो उनके लिए ये एक तरह से अमेंडमेंट ही समझ लीजिए। तो एडिशन या मॉडिफिकेशन हम लोग जानने वाले हैं, तो एडवांस अकाउंटिंग में आ जाइए आप लोग, मॉड्यूल 3 एडवांस अकाउंटिंग में। तो ये रहा, अब देखिए एडिशन कौन सा 2017 का है, जुलाई 2017 का, लेकिन एप्लीकेबल कौन सा होने वाला है अप्रैल 19 का। तो इसमें अभी हम लोग चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में। तो आ जाइए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उस चैप्टर में कहाँ कहाँ चेंजेस हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। तो यहाँ इलस्ट्रेशन नंबर वन था उसका सीरीज बस चेंज हुआ है, जितना भी इलस्ट्रेशन है उसका सीरीज चेंजेज हुआ है। दो सम्स ऐसा है जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ और एक सम्स एडिशन है। एक सम्स का क्या है, एडिशन है। तो दो इलस्ट्रेशन क्या हो गया, जिसमें मॉडिफिकेशन है और एक में एडिशन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इलस्ट्रेशन वन जो था पहले वो हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 3, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। डायरेक्ट आप लोग आ जाए अपने बुक से, जुलाई 2017 के बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 3। उस इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या था, एच लिमिटेड अक्वायर्ड 3000 शेयर इन एच लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 480,000 ऑन 1/7/2016 था। वहाँ पे कितना आ गया, 31/7/16 और ईयर जो भी हो वो आ गया है। इसका आंसर भी चेंजेस है, तो आप लोग ये भी जाकर के चेक कर लेंगे। न्यू स्टडी मटेरियल का कैसे मिलेगा, या तो आप लोग ICAI के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में क्या था मॉडिफिकेशन, 31/7/2016 था, और इसका आंसर भी क्या है, चेंजेस हैं। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर का। अब इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा में आ जाइए, इलस्ट्रेशन नंबर 5 में आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में इस सम्स में यहाँ पे 30,000 था, बीच वाले पैराग्राफ में देखिए जहाँ पे 30,000 था वो कितना हो गया, 15,000 हो गया। तो इसके वजह से भी इसका आंसर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये हो गया सेकंड मॉडिफिकेशन हो गया। अब थर्ड में तो दो मॉडिफिकेशन हो गया, एक इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा 5 में, एक इलस्ट्रेशन नंबर 3 में। एक इलस्ट्रेशन 3 में, एक इलस्ट्रेशन 5 में, दो में क्या था, मॉडिफिकेशन था। तो ये मॉडिफिकेशन देख लेंगे। आपको स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट में एडिशन एक सम्स आया, एडिशन बाकी किसी सम्स में या किसी इलस्ट्रेशन या बैक क्वेश्चन में कोई एडिशन या मॉडिफिकेशन नहीं, सिर्फ दो में था मॉडिफिकेशन और एडिशन एक सम्स है, तो वो देखिए। एक इलस्ट्रेशन नंबर 7 का क्या चीज़ आ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 7 का क्या है, एडिशन है। तो ये एडिशन देख लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। और अगर आप लोग करना चाहते हैं कंसोलिडेटेड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर आप लोग करना चाहते हैं स्टडी मटेरियल से, तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक, स्टडी मटेरियल से करना चाहता है तो उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी अगर स्टडी मटेरियल से करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक दे देते हैं नीचे में डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए, और चैनल को हाँ जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी अमेंडमेंट का होता है, वो हम लोग के एग्ज़ाम में आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अमेंडमेंट का जो भी रहा तो एग्ज़ाम में चांस ज़्यादा रहेगा, तो उनको उनके लिए भी क्या होगा, अच्छा होगा, और वीडियो वो लोग भी देखेंगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। तो ये आप लोग को शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।